search Tayo the Little Bus on YouTube. मैनी और बर्नी फिल्मी सितारे हैं। काम पूरा करने के बाद बर्नी वापस चूचू शहर आ रहा है। मुझे जल्दी चलना चाहिए ताकि गार्डियन एक्स देख सकूं। ए, रुको। ओ, किसने आवाज दी? हाय दोस्त। गार्डियन एक्स, क्या मैं तुमसे एक मिनट बात कर सकता हूँ? जरा जरूर, जितनी देर चाहे कर सकते हैं। क्या तुम फिल्म में काम करना पसंद करोगे? क्या कहा, फिल्म में? गार्डियन एक्स की नई फिल्म में एक मालगाड़ी भी है और तुम बिल्कुल सही रहोगे। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल, कल सेट पर आ जाओ तुम और ऑडिशन दे दो। ठीक है, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। बढ़िया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है बर्नी। अच्छा नाम है, चलो तो कल मिलते हैं बर्नी। ठीक है। वाह, सच में तुम गार्डियन एक्स से मिले? उसने मुझे सेट पर बुलाया है। बधाई हो बर्नी, इसका मतलब अब उनके साथ फिल्म में काम करोगे तुम? फिलहाल मुझे कोई रोल तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ मैं ऑडिशन जरूर दूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हें रोल मिल जाएगा। मेरी एक मदद कर दोगे प्लीज तुम? जरूर। हौसला बढ़ाने के लिए साथ चलोगे? मैं घबरा रहा हूँ। अरे क्यों नहीं, भाई होते ही किस लिए है। शुक्रिया मैनी। हाय दोस्तों। हेलो जेनी। हेलो मैनी, बर्नी। तुम हो मैनी और तुम हो बर्नी, सही कहा ना? गलत। क्या? देखो मैं मैनी हूँ। और मैं हूँ बर्नी। फिर चूक गई, सॉरी, मैं अभी तुम दोनों को पहचान नहीं पाती। जरा ध्यान से देखो, हमारा रंग थोड़ा सा अलग है। हमारी धारियां भी अलग हैं। वो ठीक कहा। खैर, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? पता है, गार्डियन एक्स ने मुझे अपनी फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया है। मैं इसकी हौसला अफजाई करने जा रहा हूँ। वाओ, सच्ची अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक बर्नी। शुक्रिया तुम्हारा। अगले दिन मैनी और बर्नी गार्डियन एक्स के ऑडिशन के लिए गए। वो रहा गार्डियन एक्स। सामने ही नजर आ गए। कैसे हैं गार्डियन एक्स? मैं हूँ बर्नी। ओ, आ गए तुम। वाओ, तुम दोनों तो एक जैसे लगते हो। हाँ, सर ये मेरा जुड़वा भाई है मैनी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय मैनी, मुझे भी अच्छा लगा। बर्नी, अगर रेडी हो तो ऑडिशन शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम ये कर सकते हो बर्नी। शुक्रिया। और अब फिल्म का ऑडिशन शुरू हो रहा है। ठीक है, कैमरा तैयार है। तुम ये कर सकते हो बर्नी। तैयार, एक्शन। अरे नहीं, फिर से बचकर निकल गया। गार्डियन एक्स, जल्दी से आ जाओ मुझ पर। कट। बर्नी, क्या तुम थोड़ी भारी आवाज में ये शॉट दोबारा दे सकते हो? ठीक है। टेक टू। रेडी, एक्शन। अरे नहीं, वो फिर से बचकर निकल गया। गार्डियन एक्स, जल्दी से आ जाओ मुझ पर। ये अच्छा है, लेकिन इसकी आवाज ठीक नहीं है। ये शायद कर ले। बर्नी जी, कहिए। वो जो वहाँ खड़ा हुआ है वो तुम्हारा भाई है ना? हाँ, सही कहा आपने, वो मेरा जुड़वा भाई मैनी है। अच्छा, मैनी। मैनी, क्या कहते हो, तुम एक्टिंग करना चाहोगे? क्या, मैं? ठीक है, एक्शन। गार्डियन एक्स, आ जाओ मुझ पर। क्या बात है मैनी, तुम्हारी आवाज कमाल की है। तो ठीक है मैनी, ट्रेन का रोल तुम्हारा हुआ। क्या, लेकिन ये रोल तो? हाँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बात सुनो बर्नी। क्या है? माफ कर दो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। बर्नी, तुम एक और ऑडिशन की बात क्यों नहीं कर लेते? मैनी, अब जाने भी दो, इस रोल को तुम ही करो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। छोटी रेलगाड़ियां काम से लौटी तो उन्हें फिल्म में एक्टिंग के लिए मैनी के चुने जाने का पता चला। हाय दोस्तों, मैं आ गई। हाय जेनी। तुमने सुना, गार्डियन एक्स की नई फिल्म में मैनी भी है। मैनी? हाँ, ये गार्डियन एक्स के साथ एक्टिंग कर रहा है, ये कितना किस्मत वाला है ना।
अजीब बात है, ऑडिशन तो बनी का था, फिर मैनी को रोल कैसे मिल गया? मैनी, क्या तुम हमारे लिए गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ला दोगे? मुझे गार्डियन एक्स और मैनी दोनों के ऑटोग्राफ चाहिए। सुनो दोस्तों, माफ करना, लेकिन मैं मूवी में काम नहीं करने वाला। क्या? क्यों? क्योंकि एक्टिंग में मजा नहीं आएगा। भला मजा क्यों नहीं आएगा? तुम गार्डियन एक्स के साथ फिल्म में काम करोगे तो ऑटोग्राफ नहीं मिलेगा। सॉरी, लेकिन नहीं मिलेगा। क्या ये बर्नी की वजह से? टिटीपो टिटीपो। मैनी बस भी करो, अब तुम ही करो ये रोल। मुझे तो खुश होना चाहिए था, मैनी के साथ मेरा ये बर्ताव अच्छा नहीं था। ये तो मैनी है। ये क्या, जेनी ने एक बार फिर बर्नी को मैनी समझ लिया। हाय जेनी। बर्नी की वजह से छोड़ रहे हो क्या? बर्नी के लिए बुरा लग रहा है इसलिए फिल्म नहीं कर रहे हो क्या? लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो बर्नी को और बुरा लगेगा। क्या सच में मैनी मेरी वजह से वो मूवी छोड़ रहा है? ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। ये क्या, अरे ये तो बर्नी था फिर से। मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। मैनी। ओ, 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 बर्नी, क्या तुम सच में गार्डियन एक्स की मूवी छोड़ने वाले हो? हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैनी, क्या तुम मेरी वजह से ये फिल्म नहीं कर रहे? ऐसा किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो फिल्म जरूर करो। सच कह रहे हो? माफी चाहता हूँ कि पहले मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था। बर्नी, पक्का ना? तुम्हें बाद में बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं लगेगा, वैसे भी तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। हाय दोस्तों। आओ जेनी। माफी चाहती हूँ बर्नी, मैं फिर से नहीं पहचान पाई और गलत बोल दिया। कोई बात नहीं जेनी, ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी वजह से मैनी फिल्म करने के लिए तैयार हो गया है। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। एक मिनट, तुम्हारी वजह से इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि थोड़ी देर पहले जेनी को लगा कि मैं मैनी हूँ और उसने मुझसे कहा कि बर्नी की वजह से मैं फिल्म नहीं कर रहा। आज मैनी की शूटिंग का पहला दिन है, बर्नी हौसला बढ़ाने आया है। बहुत अच्छे लग रहे हो मैनी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तैयार, एक्शन। अरे नहीं, वो बचकर निकल गया, अब मैं क्या करूंगा? गार्डियन एक्स। हाँ? या, आइए मुझ पर। शुक्रिया। जल्दी चलो। जी सर। कट। ओ, बहुत बढ़िया। मैनी, बहुत बढ़िया किया। शुक्रिया। मैनी। हाँ? तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया। शुक्रिया बर्नी। मैनी, तुमने कमाल का काम किया, बस कल भी ऐसे ही मेहनत करना। हाँ बिल्कुल सर। कल तुम्हें एक स्टंट डॉग के साथ काम करना है। पहले मैं डॉग को बचाऊंगा, फिर तुम डॉग और मुझे लेकर भागोगे। क्या, क्या, क्या कहा डॉग? ओ बर्नी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे डरो मत, वो डॉग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। प्लीज, मेरी जगह ये सीन तुम कर लो। अब मुझे डर लगता है तो लगता है, पर इस रोल के लिए मेरी आवाज सही नहीं है। अरे हाँ, समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा मैनी। हाय दोस्तों। वो। तुम्हारी पहचान का तरीका पता चल गया। तरीका? हाँ, तुम्हें पहचानने का तरीका जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती। तो क्या है वो तरीका? तुम दोनों की आवाज। हमारी आवाज? हाँ, मैनी की आवाज तुमसे भारी है। हेलो, मैं हूँ मैनी। बर्नी की आवाज पतली और सुकून देती है। हाय, मेरा नाम है बर्नी। तुम बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन तुम्हारी आवाजें बिल्कुल अलग अलग हैं। हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारी आवाजें अलग हैं। मैनी, चिंता मत करो, समझ आ गया कि हम कल का सीन कैसे शूट करेंगे। अच्छा, तो कैसे करेंगे बताओ? कल सीन में हम दोनों ही शामिल होंगे। दोनों? जेनी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस बात का? चलो चलो चलो, सब कुछ तैयार है। साइलेंस, काम शुरू हो रहा है। तैयार, एक्शन। गार्डियन एक्स, जल्दी करो, मैं यहाँ पर हूँ।
जल्दी चलो, डॉग बहुत घायल है। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आराम से बैठिए, मैं सुरक्षित आपको अस्पताल ले जाऊंगा। तो सीन में डॉग के साथ है बर्नी और आवाज है मैनी की। कांट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सीन। वाओ, बहुत बढ़िया। बर्नी, कमाल कर दिया। शुक्रिया गार्डियन एक्स। बर्नी, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुमने। नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने कमाल किया। दोनों ने किया, तुम एक बहुत अच्छी टीम हो। डॉग, इस डॉग को मुझसे दूर ले जाओ प्लीज। आखिरकार गार्डियन एक्स की वो फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें मैनी और बर्नी ने काम किया है। अरे वाह, ये तुम हो। जल्दी करो, मैं यहाँ पर हूँ। अब जल्दी चलो, डॉग बहुत घायल है। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, आराम से बैठिए, मैं आपको सुरक्षित अस्पताल ले जाऊंगा। अरे वाह, ये आवाज है मैनी की। इसका मतलब मैनी और बर्नी दोनों फिल्म में हैं। क्या एक्टिंग की है, एकदम असली एक्टर जैसी। जुड़वा मालगाड़ियां मैनी और बर्नी फिल्मी सितारे बन गए हैं। दोनों को बधाई हो। मैनी में कुछ खास है। एक बहुत ही अच्छा दिन और ये आ रहा है टीटी पो। हेलो मिस्टर हब। ओ टीटी पो, गुड मॉर्निंग। आज तुम बंदरगाह जा रहे हो ना? हाँ मिस्टर हब, काम के लिए तैयार हूँ। ओ आ गए तुम, इससे मिलो। ये है टीटी पो और ये है मैनी, इस शहर की नई मालगाड़ी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। तुम दोनों ही बंदरगाह जा रहे हो इसलिए तुम साथ साथ जा सकते हो। तुम आगे आगे चलो। ठीक है। टीटीपो और मैनी बंदरगाह के लिए चल पड़े। काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। मजा आएगा, वो सब तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। यहाँ एक और तुम्हारी जैसी ट्रेन है, डीजल। अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इससे पहले तुम क्या काम करते थे? मैं खदान में काम करता था। अरे वाह, मैं एक खदान में जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन खदान में हमेशा सावधान रहना होता है। क्यों? पता है, एक बार एक सुरंग टूटकर मुझ पर गिर गई थी। तो फिर तुमने क्या किया मैनी? मैं चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। तुम चट्टानों के बीच से निकल आए? वाह, तुम कितने मजबूत और बहादुर हो। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। जल्दी पहुंच गए। सुनो मैनी, बाद में मुझे ऐसे और किस्से सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा। बाय टीटीपो, अच्छे से काम करो। बाय, बाद में मिलते हैं। यही वो बंदरगाह है जहां मैनी काम करता है। अगली मालगाड़ी। यहां हूं मैं। मैं आ गया। ओह, तुम जरूर नई मालगाड़ी हो। हाँ, मेरा नाम मैनी है। दमदार मैनी, चलो शुरू करते हैं फिर। जरूर। आप सबका स्वागत है। कैसी है टीटीपो? हेलो। हाय। ओह, ये तो मैनी है। तो पीछे के हिस्से में भी सामान रख दूं? जरूर, मैं आगे निकल जाता हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो तुम्हें लोड करने में आसानी होगी। ओह, तुमने काफी कमाल का सोचा। ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। वाह, मैनी कितना अच्छा है। काम खत्म करने के बाद टीटीपो चूचू शहर में वापस आ गया। हाय दोस्तों। हाय टीटीपो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, आज जो नई रेल आई है तुम उसे जानते हो? क्या नई रेल आई है? अरे हाँ, तुम अब तक नहीं मिले। उस मालगाड़ी का नाम है मैनी। नई मालगाड़ी आई है? हाँ, नारंगी रंग पे पीली और काली धारियाँ हैं। उसकी आवाज़ भारी है और काम जबरदस्त करता है। एक नई रेल जबरदस्त कैसे हो सकती है? सच कह रहा हूँ, मैंने देखा, उसकी तारीफ भी हो रही थी। कमाल की बात है ये। एक बार खदान की सुरंग गिर गई थी और वो उसमें फंस गया था, फिर वो चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आ गया। वाह, कमाल है। सच में क्या? डीजल, क्या तुम सोच रहे हो मैनी तुमसे ज्यादा ताकतवर है? ये बात नहीं।
जाने का समय हो रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है जीनी और सिंह, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं टिटी पाओ। ठीक है। वाह, बहुत सुंदर। सतरंगे रंग पर पीली काली धारियाँ, टिटिपो ने तुम्हारे बारे में बताया था। ओ? तुम नई ट्रेन हो, है ना? ओ, हाँ, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो इसकी आवाज भारी नहीं लगी। तो तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं फूलों को देख रहा था। कितने सुंदर फूल है ना? सच में मुझे भी फूल पसंद है। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत सारे फूल है, किसी दिन चलोगे? जरूर चलूँगा। मुझे काम है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है। फिर मिलेंगे। डीजल बंदरगाह में पहुँच गया है। ठीक है, लोडिंग शुरू कर दो। एक और नया बच्चा। ओ? तुम जरूर चूचू शहर में आई नई मालगाड़ी हो। स्वागत है बच्चे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, ये जरूर मैनी होगा जिसके बारे में टिटिपो ने बताया था। देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। अब सामान रखना शुरू करता हूँ। रख रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक जगह खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ठीक जगह ही लग रहे हो। नियम तो नियम होते हैं, निशान पर ही रुकना चाहिए। यहाँ। अब शुरू कर दीजिए। नियमों को काफी मानने वाले हो। चलो अब मैं रखता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज सर। कंटेनर्स आराम से रखिए आप। हाँ? क्यों? मेरी बोगी पर खरोंच आ सकती है। ठीक है, तो मैं आराम से रख देता हूँ। आपका शुक्रिया। अजीब बात है, मैंने सोचा था ये ताकतवर होगा। शायद टीटीपो को इसके बारे में पता नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी मालगाड़ी मुझसे मजबूत नहीं हो सकती। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। हाय डीजल। मैंने मैनी को देखा। अच्छा, वो बहुत मजबूत है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो इस बात से एकदम उल्टा है। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा उसे। वो तो सामान को लोड करवाने में भी काफी घबरा रहा था। लेकिन मैनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। तो सामान रखना शुरू कर दूं क्या मैं? हाँ, बिल्कुल। रख रहा हूँ। रुक जाइए। अब क्या हुआ बच्चे? प्लीज बहुत ध्यान से सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं मैनी, ऐसा नहीं हो सकता। ओ, लेकिन वो है। हाय दोस्तों। हेलो, किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने आज मैनी को देखा। मैं बस टिटिपो को वही बता रहा था। मैंने भी उसे देखा। मैनी और मैं फूल देखने जाएंगे। उसे भी फूल उतने ही पसंद है जितने की मुझे। क्या सच में मैनी ने कहा उसे फूल पसंद है? हाँ, हमारी बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। फूलों की खुशबू का जवाब नहीं। मुझे लगता है तुम लोगों से गलती हो रही है। हमसे नहीं, तुमसे हो रही है। सही कहा, जैसा तुमने बताया वो उससे बिल्कुल ही अलग है। ओ, कितनी अजीब बात है। उसी समय सिंह सिंह ने भी नई ट्रेन को देखा। हाँ? ये जरूर मैनी होगा। आपका स्टेशन आ गया। मेरा काम खत्म। हाँ? हेलो। हेलो। हाँ? ये इतनी जल्दी स्टेशन तक कैसे पहुँच गया? क्या कोई मालगाड़ी मेरी जितनी तेज हो सकती है? हो गया, काम पूरा हो गया।
काम पूरा करने के बाद मैनी वापस चूचू शहर आ गया। टीटीपो! ओ, मैनी आ गया। हाय मैनी! आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैनी, क्या तुम्हें सच में फूल पसंद है? तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना? जब क्रेनी सामान रख रही थी तुम्हें डर लग रहा था। मैंने बताया ना, वो डर रहा था। माफ करना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ मालगाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है। तेज? अब समझ में आया। हाँ? तुम भी जल्दी समझ जाओगे। हेलो, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ। एक जैसी दो मालगाड़ी, यहाँ तो दो मैनी है। हम जुड़वा भाई हैं। मेरा नाम बर्नी है। जुड़वा भाई? हाँ, देखने में एक जैसे लेकिन है बहुत अलग। बिल्कुल सही। तो जो फूलों को देख रहा था वो वो मैं था। और मैंने जिसे देखा, क्या वो भी तुम थे? हाँ। ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा था उसके बाद तुम स्टेशन इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? जिसे तुमने स्टेशन पर देखा वो मैं हूँ, और पुल के ऊपर से मैं निकला था। तुमने पहले मुझे देखा फिर मैनी को। अब समझ आ गया सब। तुम दोनों तो सच में एक जैसे लगते हो। हाँ, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। वैसे हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जरा ध्यान से देखो, हम थोड़े अलग हैं। हमारी धारियाँ भी अलग है, देखो। अब ध्यान दिया मैंने। तुमसे तो मैं मिला ही नहीं। मेरा नाम है टीटीपो। मैं हूँ चीनी। मेरा नाम सिंग सिंग है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और मैं यहाँ के सबसे दमदार मालगाड़ी डीजल। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हम चूचू टाउन में तुम्हारा स्वागत करते हैं। चूचू शहर में दो नए दोस्त आए। उम्मीद है सब मिलकर रहेंगे। मैं जाऊंगा खदान में। खिली हुई धूप के साथ सुबह हो रही है। ये आया टीटीपो। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो टीटीपो, आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे पता है आज मुझे काम नहीं करना। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जाकर खेलो। वाह, मजा आएगा। बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाहर आकर कितना अच्छा लगता है। ओ, डीजल। ओ, हेलो डीजल। हेलो टीटीपो, कैसे हो? तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है इसलिए बाहर खेलने आ गया। मुझे खदान में जाना है कुछ पत्थर लाने के लिए। क्या खदान में? खदान क्या होती है? वहाँ पर पत्थर निकालते हैं, और मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। हाँ, तुम भी चलना चाहते हो? क्या मैं आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ तुम भी। ओ, मेरे लिए रुको। टीटीपो डीजल के पीछे पीछे क्वारी यानी खदान में गया। डीजल, अभी और कितनी दूर जाना है? बस पहुंचने वाले हैं। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन हम चलते ही जा रहे हैं। सब्र रखो मेरे दोस्त। हे, वो रही खदान। वाह, कमाल की जगह है। संभाल के, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो कहा ही था मैंने तुमसे। हे डीजल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुमसे बाद में मिलता हूँ दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम। यहाँ से ये चट्टाने निकाल कर मशीन में डाल देते हैं, फिर वो बड़ी चट्टाने मशीन में टूट कर छोटे पत्थर बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। फिर वो छोटे पत्थर हमारे डब्बों में भर दिए जाते हैं ले जाने के लिए। ये सब कितना कमाल का है। ये क्या हो रहा है? वहाँ ऊपर देखो, वो पहाड़ तो टूट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो डीजल। तुम डरो मत, वो विस्फोट कर रहे हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। ओ, अब समझा। डीजल, अगला नंबर तुम्हारा।
ठीक है, यही इंतजार करो। ठीक है। डीजल खदान पर पहुंच गया है। डीजल हाजिर है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ। ठीक है, अब पहुंच गया, लोडिंग के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भर गया हूँ। डीजल। चलो चलते हैं। तुम्हें लगता है तुम इसे खींच लोगे? ये तो सभी मालगाड़ियों के लिए आम बात है। क्या सच में? बिल्कुल, उस तरफ देखो। तुम ठीक कह रहे हो, ये बहुत मजबूत है। हाँ, सही कहा। हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए। क्या ये हमेशा ऐसे ही गाते हैं? हाँ, काम करते हुए गाना गाने में मजा आता है। मुझे भी ये गाना आता है। एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, मालगाड़ी आ गया, हम हैं शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। ये बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, कमाल की बात है। बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, मालगाड़ी आ गया। तो तुमको खदान में आकर कैसा लगा? मुझे सच में बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ मैं खदान में काम करूँ। शायद तुम्हें इस काम के लिए नहीं बनाया गया। क्यों? मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा। टिटिपो टिटिपो। अगले दिन सुबह टीटीपो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। काम शुरू। हम अब चलते हैं। हेलो मिस्टर हब। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग टीटीपो। तुम पर इतनी सारी धूल क्यों लगी है? तुम्हें हमेशा खुद को साफ रखना चाहिए। लेकिन धूल में तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस समय तो मुझे काम पर जाना है, तो वापस आकर मैं खुद को धो लूंगा। मुझे पता है तुम्हें अभी जाना है, लेकिन अगली बार अपने आप को साफ करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं मिस्टर हब। कल जो वो मालगाड़ियाँ देखी थी कितनी अच्छी थी। एक दो एक दो। ये बिल्कुल भारी नहीं है। अरे वाह। मैं तो स्टेशन पर पहुंच गया। आज मैं तेज आवाज में बोलूंगा, जैसे उन ट्रेन्स ने किया था। हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं। मुझे भी वो वाला गाना गाना चाहिए। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, ये कैसा शो है? बढ़े चलो एक दो तीन चार, मालगाड़ी आ गई यार, हम है शक्तिशाली मालगाड़ियाँ, बजाओ हमारे लिए तालियाँ। बढ़े चलो बढ़े चलो, एक दो तीन चार, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं वापस आ गया मिस्टर हब। टीटीपो, ये बताओ तुम्हारे रूट पर आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं। मुझे पता चला है कि तुम यात्रियों से चिल्लाकर बोले और फिर ऊंचा ऊंचा गाने लगे। कल खदान में मैं कुछ अच्छी ट्रेन से मिला था, मैं बस उनके जैसा बनना चाहता था।
लेकिन तुम मालगाड़ी नहीं हो, तुम यात्री गाड़ी हो। अगर तुम ऊंचा बोलोगे या गाओगे तो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन हमेशा चुपचाप काम करने में मजा नहीं आता। मुझे जोश वाला मजेदार काम चाहिए। यात्रियों को लाना ले जाना भी मजेदार काम है। आज के बाद से तुम अपनी आवाज धीमी रखोगे। जी सर। फ्रेट ट्रेन बनना ज्यादा मजेदार है। शायद मैं फिर से खदान में जाऊंगा। मालगाड़ी को काम करता हुआ देखने के लिए टीटीपो खदान की तरफ चल पड़ा। वाह! पता नहीं डीजल कहाँ है। वहाँ पर है डीजल। टीटीपो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ। लेकिन ये मेरा आज का आखिरी चक्कर है और दूसरों का भी घर जाने का वक्त हो गया। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता था। हे दोस्त, तुम यात्रियों को ले जाने वाली रेल हो ना? मैं? हाँ, ठीक कहा। लेकिन सर, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम हमें शहर के स्टेशन तक ले जा सकते हो? मैं लेके जाऊँ? हाँ, हमारी ट्रेन खराब हो गई है इसलिए यहाँ नहीं आ सकती। एक दूसरी गाड़ी भी है लेकिन अभी बहुत दूर है। जरूर, मैं आप सबको लेके जाऊँगा। अगर मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगा तो यात्रियों को परेशानी होगी। आप सबका स्वागत है। कितनी अच्छी रेल है। सही कहा। तो चलो चलते हैं। आराम से, धीरे धीरे। जब यात्री बैठे हो तो सफर आरामदायक होना चाहिए। टीटीपो अपने खास यात्रियों के लिए ज्यादा ही सावधान है। सुरक्षित और आरामदायक हम पहुंच गए। आखिरकार पहुंच गए। टीटीपो की वजह से मैं आराम से सो पाया। हमें पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अब हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे और जल्दी भी। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो। हाय डीजल। तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ। तुमने उनका समय बचा लिया। हाँ बिल्कुल, यात्रियों को लाना ले जाना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुझे लगा तुम मालगाड़ी बनना चाहते हो। नहीं, अब नहीं। अपने यात्रियों को इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। पर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। गलत कहा। तुम अच्छे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। सच कहूँ तो आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में? बिल्कुल ठीक। सामान या यात्रियों को लाना ले जाना दोनों जरूरी हैं। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया।